इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20 इंटरनेशनल होगा 8 सितंबर रात के 10:30 बजे साउथहैम्पटन रोज बोल के ही मैदान में। ऑस्ट्रेलिया दूसरा T20 हार गई, मुझे काफी दुख हुआ क्योंकि अब हमें डिसाइडर देखने को नहीं मिलेगा तीसरे T20 में। देखते हैं ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्सोलेशन जीत ले पाती है या नहीं। तो सबसे पहले हम इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की बात करते हैं। जॉस बटलर ने तीसरे T20 के लिए अपनी अवेलेबिलिटी नहीं दर्शाई है पर्सनल रीजंस की वजह से। ये पर्सनल रीजंस हमें काफी सुनने को मिल रहा है आजकल। तो टॉम बैंटन टॉप ऑफ द ऑर्डर ओपन करेंगे। जितनी भी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं टॉम बैंटन की वो ओपनिंग में ही रही हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है अपनी फॉर्म दिखाने का। इसके अलावा क्योंकि टॉम बैंटन ऊपर आएंगे तो सैम मिलिंग्स मिडल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, अच्छी बात है क्योंकि वो एक स्पेशलिस्ट मिडल ऑर्डर बैट्समैन है। इसके अलावा ओएन मॉर्गन को दूसरे T20 में एक फिंगर इंजरी हो गई थी, हो सकता है अपने आप को रेस्ट दें इस मैच में। तो जो एक बैट्समैन है बेंच पे वो है जो डेनली, तो वो आ सकते हैं टीम में। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की बात करते हैं। पिछले मैच में एलेक्स कैरी को ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी कराई गई थी लेकिन काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहे थे और ज़्यादा काम नहीं आए थे, तो मेरे हिसाब से नीचे ही खेलेंगे और स्टीव स्मिथ दोबारा तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। मानस लाबुशाने को शायद खिलाना चाहेगी ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट, तो मार्कस स्टोइनिस की जगह वो आ सकते हैं मिडिल ऑर्डर में। गेंदबाजी में मेरे हिसाब से कोई बदलाव नहीं रहेगा। पिच की अगर हम बात करें तो बल्लेबाजी के लिए अच्छी रही है दोनों मैचों में। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत तो अच्छी करी है हर बार लेकिन बीच के ओवर में डगमगा गए हैं और स्कोर इसलिए 150-160 पर ही रुक गया है। तो हम एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं कि इस मैच में भी इतना ही स्कोर रहेगा। स्पिनर्स के लिए भी टर्न नहीं है इसलिए बैटिंग के लिए अच्छी होगी। मौसम की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा बादल छाए रहेंगे साउथहैम्पटन में, 78% रहेगी ह्यूमिडिटी, 22 डिग्री रहेगा तापमान और बारिश के आसार रहेंगे 10%। अब पिक करते हैं दो टॉप प्लेयर इस मैच के लिए। जॉस बटलर होते तो पहले पिक वही होते बिना किसी शक के आंख बंद करके, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में पहले हमारे पिक होंगे डेविड मिलान। मिडल ऑर्डर में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से मिडल कर रहे हैं गेंद को, तो डेफिनेटली एक तो वो होंगे। दूसरे होंगे मेरे हिसाब से एरन फिंच। अपनी परफॉर्मेंसेस के बलबूते पे अभी तक इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को मैच नहीं जिता पाए हैं लेकिन रन्स के भूखे होंगे और मुझे लगता है ये एरन फिंच का दिन होगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच के थर्ड T20 की फाइनल प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया एक कमबैक कर पाएगी इस सीरीज में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जिस हिसाब से इंग्लैंड खेल रही है लग रहा है कि 3-0 कर देंगे इस सीरीज में।